ओके, यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इन दिस फर्स्ट कॉलम में. सेवंथ ही बेटी, आपकी वीडियो नहीं आ रही है. कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? सेवंथ ए या बी? आई कैन सी बी सी डी ई एफ जी. एवरीबडी इज देयर. ए सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके आ रही है। ओके, आवाज आ रही है. यस, चलो वीडियो ठीक कर लेना इसको. या फिल अप द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, फर्स्ट जो है आपको बेटा, इसमें जो प्रिंटिंग में लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, प्लीज उसको अंडरलाइन कर लो. यू कैन राइट आंसर इन वर्कशीट, डजेंट मैटर. ठीक है, उधर कॉलम में जो ब्लैंक्स है वहीं पे आंसर लिखो, बट उसको अंडरलाइन करो, एक्सप्रेशन को अंडरलाइन करो केयरफुली, क्योंकि वो कुछ टर्म्स उसके नीचे भी लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है. ठीक है, आई एम ऑल्सो राइटिंग. फर्स्ट इज 4x² प्लस 5x माइनस 7. सेकेंड इज -6a4. जब तक मैं यहां पे लिख रही हूं, आप केयरफुली इनको ऑब्जर्व करो और अंडरलाइन करो, क्योंकि आपको साइन भी बहुत केयरफुली देखना है. थर्ड इज 12y³ प्लस 3. फोर्थ इज 17x² माइनस 2x माइनस 4. एंड लास्ट इज 8² प्लस 3 प्लस 5. आई होप आई हैव रिटन ऑल दिस करेक्टली. चेक कर लो एक बार अपने मॉड्यूल से भी केयरफुली. सबने अंडरलाइन कर लिया? मैंने पूरा ये एक्सप्रेशन एक स्ट्रेट लाइन में लिखी है. आपका -7 नीचे जा रहा है, वो उसके साथ ही है बेसिकली. आपको साथ लिखने तो साथ लिख लो, नीचे वाले को काट के. स्ट्रेट लाइन में आपकी एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन होनी चाहिए. ओके, यू हैव फ्यू कॉलम्स जो कि आपको फिल करनी है. फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, दूसरे में लिखना है कॉफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, तीसरे में लिखना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, एंड फोर्थ में आपको लिखना है यहाँ पे कॉफिशियंट हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. बेटा इसको लास्ट वाले को ठीक कर लो. इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. एवरीबडी कैन सी द बोर्ड? ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. आई विल कॉल द नेम. सबने आंसर नहीं बताना. फर्स्ट वी हैव टू राइट कॉन्स्टेंट टर्म. ओके, केयरफुली देखना और साइन भी उसका देखना. ओके, सेवन बी सेक्शन, वरुण दीप. बी सेक्शन, वेरी गुड. आगे आ जाओ, जल्दी से बता दो इसका कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा है फर्स्ट में. यस, लाउडली बोलो बच्चे. ओके, मेरे को बताओ कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, पता है आपको? लुक एट मी, लुक एट मी, डू यू नो व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? रेज योर हैंड, किस किस को पता है कांस्टेंट टर्म कैसी होती है. एफ सेक्शन, सी सेक्शन. ओके, कॉन्स्टेंट टर्म आई मस्ट एक्सप्लेन यू इन द बिगनिंग, काफी बच्चों को पता है. एंड यू ऑल्सो वरुण दीप, लिसन टू मी केयरफुली. कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता. वेरिएबल मतलब अल्फाबेट नहीं होता इंग्लिश का. नाउ टेल मी विच इज कॉन्स्टेंट टर्म, सिर्फ फर्स्ट वाले में. सेवन के माइनस बाद कोई साइन भी है? -7. वेरी गुड, यू हैव कम टू नो -7.
गो बैक, सी सेक्शन, सेवन सी, समीर कुमार, समीर आर यू प्रेजेंट? यस, आ गया जो बच्चे। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कोई ऐसी टर्म आपको दिख रही है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है? यस और नो, बस इतना बता दो, कोई ऐसी टर्म आपको दिख रही है जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो? योर माइक इज वर्किंग, सेवन सी, हाथ में उठाओ इसको। यस, कम क्लोजर टू इट। यस, नाउ टेल मी यस और नो। जी नो, आपके क्या साथ जो गर्ल बैठी है, यस, फर्स्ट बेंच पे, कर यस, यू नो इट, सी सेक्शन। रही है? बड़े इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बेटा? सेकंड में माइक दे दो उसको। यस यस टेल मी बेटा, यू नो व्हाट इज कॉन्स्टेंट टर्म इन सेकंड? सेकेंड में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ कांस्टेंट, सॉरी, वेरिएबल ना हो। यस, सेवन जी सेक्शन, फर्स्ट बॉय। यस, जल्दी से बता दो, हु इज रेजिंग योर हैंड? यस, आंसर इज आंसर इज जीरो, इट मींस नो। यू कैन पुट अ ब्लैंक हेयर, ठीक है, और यू कैन पुट अ क्रॉस हेयर। चलो, ब्लैंक आपको फिर नेगेटिव लगेगा तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म जीरो भी नहीं लिख सकते, यू नो, जीरो भी नहीं लिखना उसको, क्योंकि जीरो एक नंबर फिर रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस लगा देते हैं कि उसमें है ही नहीं। ओके, गुड, कम बैक, कम बैक, आ जाओ, एवरीबॉडी सिट डाउन। बेटे, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। पता है, रेज योर हैंड, जिसे इसको पता है कि कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। वेरी गुड। तो ऐसा मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो पक्का इसमें होगा ही और आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसमें दिया ही नहीं हुआ, तो लिख दो ये क्रॉस है, देयर इज नो सच कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी, कांस्टेंट ओवर देयर, देयर इज नो सच टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो, इसलिए इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला, सेवेंथ, ए सेक्शन, जस्ट मी, ए सेक्शन, आपका वीडियो नहीं आ रहा, बट कैन यू हियर मी? मैम, हाँ, प्लीज जस्ट मी, प्लीज टेल मी इफ यू नो इट, कि थर्ड वाले में कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होगी? बी सेक्शन, फर्स्ट गर्ल जिनके पास माइक पड़ा हुआ है, थ्री, फ्री वेरी गुड, अब आपको पता चल चुका है। इसमें फोर्थ में जल्दी से बता दो, -4 माइनस फोर, प्लीज -4 रिमेंबर नेगेटिव साइन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इन दिस, -3 थ्री, वेरी गुड, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फर्स्ट कॉलम कॉन्स्टेंट इज ओवर, सेकेंड कॉलम कॉफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कॉफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बहुत केयरफुली इसको पढ़ो, कई बच्चे सिर्फ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिख देते हैं, वो पूछ रहे हैं कॉफिशियंट ऑफ, कॉफिशियंट ऑफ, कॉफिशियंट ऑफ मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ क्या लगा हुआ है, उसका कॉफिशियंट क्या है? फर्स्ट फोर इज फोर, सेकेंड में -6 -6, नो, ए नहीं लिखना बेटा, आपका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यहां पे आपको दिख रहा है कि ए ही वेरिएबल है, एक्स नहीं है इसमें, ए वेरिएबल है, ए की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, तो हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास उसका आपने कॉफिशियंट देखा -6 है,
कल मैंने बताया था कि जो आपसे कॉफिशियंट पूछते हैं, जिसका कॉफिशियंट पूछा है ना, उसको फिंगर से हाइड कर दो, छुपा दो, उसके साथ जो बचा हुआ है वो उसका कॉफिशियंट होगा। अब यहाँ पे हम हाइड नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया है कि -6a^4 इज द हाइएस्ट पावर, a^4 इज द हाइएस्ट पावर, उसके साथ क्या लगा हुआ है, दैट इज -6। सिमिलरली हियर हाइएस्ट 12, एवरीबॉडी नोज, यहाँ पे 17, 17 एंड इन दिस नो 1, यस, हु इज सेइंग 1? जिन्होंने बोला कि 1 आएगा इसका, हु अग्री विद दिस कि 1 आएगा इसका कॉफिशियंट, हाइएस्ट पावर ऑफ, यस गुड, वेरी गुड, सबको पता चल गया। a^5 जो है दैट इज द मैक्सिमम पावर, उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो अंडरस्टूड है उसके साथ 1 लिखा हुआ है। ओके, केयरफुली इसको देखना है, दिस इज 1। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स प्लीज अंडरलाइन करो, फिर बताना मेरे को, अंडरलाइन करो एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स है। 1, 3 इन फर्स्ट इज 3 टर्म्स, यस दिस इज इजी क्वेश्चन, अदरवाइज यस सेकंड में भी 3, थर्ड में 2, एवरीबॉडी कैन सी, फोर्थ में 3, फाइव में फिर से 3, यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाते हैं, हो सकता है पूरा का पूरा टेबल नहीं आए, बट आपको पूछना आ सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कॉफिशियंट ऑफ हाइएस्ट पावर क्या है, एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या है। ठीक है, ओके, लास्ट कॉलम इज हाइएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, दीज ऑल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स ऑल्सो, यू नो इनको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं ना, कंटेनिंग डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, फर्स्ट में हाईएस्ट पावर, जस्ट रेज योर हैंड जिस इसको पता है हाईएस्ट पावर। ओके, एफ सेक्शन, एफ सेक्शन फर्स्ट, या हाईएस्ट पावर इज यहाँ पे इसकी 2 आएगी, यस आई एम पुटिंग एरो हेयर, मेरा थोड़ा नीचे आ गया ये, ओके इसकी 2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4, इसमें 4, 3, 2, and 5, this you know, you are writing in module only, table mein, yes, okay, everybody has written, एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें पूछी हुई हैं, हैव यू अंडरस्टूड, किसी को कुछ पूछना है अभी, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क कि ये कैसे आया, कॉफिशियंट कैसे आया, उसकी मैक्सिमम पावर कैसे आई, क्या किसको कैसे देखना है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली थिंग इज जब आप कॉन्स्टेंट लिखते हो तो प्लीज रिमेंबर आपको नेगेटिव साइन भी साथ में लिखना है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया था, ये जो नीचे बैठे हुए हैं, हैव यू अंडरस्टूड, कुछ पूछना है किसी ने, आपसे पूछने, किसी को कोई डाउट है तो आगे आके अभी पूछ लो, इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आपकी, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में क्या लिखते हो, पॉलिनोमियल तक ही लिखो इसको। ठीक है, पॉलिनोमियल इज मल्टी नोमियल ओनली। ठीक है, 3 से ज्यादा जो भी आएंगे आपके पास टर्म्स, जिसमें भी आपके पास 3 से ज्यादा टर्म आती है किसी भी एक्सप्रेशन में, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ओके आई विल कॉल द नेम्स, अपने आंसर नहीं करना, D section, this is your turn now.
डी सेक्शन सागर, प्रेजेंट। ओके आगे आ जाओ। ओके बी कॉन्फिडेंट, और किसी ने किसी की हेल्प नहीं करनी, उसको अपने आप बताने दो। आई वांट टू सी कितना अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको। फर्स्ट क्या बताओगे, व्हाट वुड यू राइट, कितनी टर्म्स है उसमें काउंट करो और बताओ कि कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होगी। यस वेरी गुड, फर्स्ट वन काउंट करो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड टेल मी। टर्म्स कितनी है बेटा इसमें सागर? टर्म्स कितने? काउंट करो। फोर फोर। ओके ये सागर की आवाज है? सागर यू आर टेलिंग मी। यस ओके गुड, फोर टर्म्स है। अगर फोर टर्म्स है तो व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? मोनोलोमी नो, पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। गो बैक टू योर सीट एंड राइट डाउन फर्स्ट, पहले ये समरी लिखो, मोनोमियल, बाइनोमियल, राइट डाउन इन नोटबुक। सागर के साथ कौन बैठा है? प्लीज गुरु सी हिज नोटबुक, इज ही राइटिंग और नॉट? ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके मोनो मीन्स वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, पॉली हम तब बोलते हैं जब वो एक या एक से ज्यादा है, तो उसका कोई स्पेशल नेम नहीं हम बोलते, हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं जब उससे ज्यादा है तो। ठीक है, मैम अगर 3 से ज्यादा मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। मल्टीनोमियल लिख लो, आई डोंट नो आपकी बुक में है कि नहीं है। वैसे पॉलिनोमियल ही इज ओके, पॉलिनोमियल इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर, मैम बुक में मल्टीनोमियल लिखा है। लिखा है देन इट इज फाइन, यू आर यूजिंग अदर बुक, लिखा है तो इट इज नॉट रॉन्ग। ओके तो यू कैन राइट, जिन बच्चों को नहीं पता, आपने काउंट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स उसमें। टर्म्स कैसे काउंट करते हो? प्लस और माइनस के जो आसपास नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी एक्सप्रेशंस लिखी हुई है छोटी छोटी, उनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास टर्म थी, इसके पास एक्स वाई जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई माइनस 91 XZ प्लस 8Z4। ठीक है, तो अभी हमने काउंटिंग कैसे करनी है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काउंटिंग करनी है आपने प्लस और माइनस के आसपास, 1 2 3 4। सिंपल, प्लस को हमने सर्कल किया, माइनस को सर्कल किया, यहाँ पे प्लस को सर्कल किया, सर्कल के आसपास कितनी टर्म्स हैं, क्या क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस को छोड़ के, प्लस माइनस को छोड़ के जो जो लिखा हुआ है काउंट करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो व्हाट वुड यू राइट, क्या नेम बताओगे, क्या कौन सी टाइप बताओगे इसको? वेरी पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल गुड, सेकंड वन काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स के आसपास, ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल। यस थर्ड वन मोनोमियल मोनोमियल। ओके अब ये नहीं सोचना कि इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा हुआ, जो एक कांस्टेंट है -1/200, ये एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक सिंगल टर्म है जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इज इट क्लियर? दिस इज मोनोमियल, एवरीबडी नोज। फोर्थ क्वेश्चन, बाइनोमियल बाइनोमियल। यस ये जो मैंने रूल बताया आपको, ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता, और ये गलती भी होती है, जब आपकी बहुत लंबी कोई एक्सप्रेशन आ जाती है, आपकी मिस्टेक हो जाती है, प्लीज सर्कल दीज ऑल, प्लस एंड माइनस को सर्कल कर लो, फिर काउंटिंग बहुत इजी हो जाती है।
उसके आसपास वाले सारे नंबर जो होंगे वो एक एक टर्म की काउंटिंग में आएंगे. इज इट क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन इज बाइनोमियल, फिफ्थ इज अगेन मोनोमियल। पॉलीनोमियल, बिकॉज ना तो वहां पे कोई प्लस साइन है ना माइनस साइन है. एक सिंगल टर्म जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फैक्टर जो दिखा रहे हैं वो एक जो है वो टर्म भी है और साथ में मोनोमियल भी है. दैट इज अ सिंगल टर्म एज वेल एज मोनोमियल. इज इट फाइन? यस ऑल राइट, कम टू असर्शन रीजन. सॉरी, थर्ड क्वेश्चन. ओके, राइट इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. हेलो। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, डू यू नो व्हाट इज दिस? इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होता है? पढ़ा है आपने बुक में? नो ओके गुड, चल लिसन हियर देन. कॉपी में इसको बाद में लिखना, इसको लिखना जरूर है लेकिन पहले समझ लो. बच्चे, आपने जब सिक्स क्लास में एलसीएम सीखा था, एलसीएम आप निकालते थे, ठीक है? तो आप वो ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो ना. प्राइम यस फैक्टराइजेशन सीखी है आपने? यस सबको आती है. प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपने सीखी थी उसमें आपके फैक्टर्स कैसे आते हैं? 2 × 3 × 5 × 7 × 3, ऐसे ऐसे फैक्टर्स आते हैं ना. यस तो हम वहां पे क्वेश्चन स्टॉप कर देते हैं कि यस, हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. प्राइम फैक्टराइजेशन जब आती थी हम क्यों उसको क्वेश्चन स्टॉप करते थे? बिकॉज उसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते. 2 के फर्दर और फैक्टर्स नहीं हो सकते, 3 के नहीं हो सकते, 5 के नहीं हो सकते, 7 के नहीं हो सकते. वो ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं जिनके फर्दर फैक्टर्स हम नहीं कर सकते. इनको बोलते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, ठीक है? तो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स एक ही बात है, नेम चेंज है बट इट इज सेम थिंग. यू कैन राइट डाउन ऑल्सो, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स मीन्स प्राइम फैक्टर्स. इररिड्यूसिबल के नेम से ही आपको पता चलता है कि इररिड्यूस, उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिखना है तो यू कैन से कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर. रिड्यूस्ड फर्दर, उसको हमें उधर ही स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है? जहां भी आपने अपने की पॉइंट्स लिखे हैं इस चैप्टर के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वहां पे लिख लो. ये वर्ड समझ आ गया आपको? क्वेश्चन तो चलो मैं करवा दूंगी आपको. इरिड्यूसिबल फैक्टर्स का मीनिंग समझ आ गया आपको कि क्या करते हैं, जिनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. थर्ड क्वेश्चन, वी हैव टू राइट इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. इसको बेटा कॉपी में लिखना है आपने, ठीक है? इनके आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, इट इज 7P²³. अगर मैं आपसे नॉर्मल इसके फैक्टर्स पूछूं कि ओके राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 7P² इन Q, ये एक टर्म है, इसके आपने आगे फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है? सिंपल फैक्टर्स कौन बताएगा मेरे को? अभी इकट्ठा नहीं बोलना सबने. ई सेक्शन, ई सेक्शन, पल्लवी, यस बेटा, इरिड्यूसिबल को छोड़ो, आप सिंपल फैक्टर्स बताओ कि एक टर्म है आपके पास, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? यस, 7 सेवन, यस, मल्टीप्लाई पी
मल्टीप्लाई पी, यस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पी, पी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यू, क्यू। अब मेरे को दो दो आवाजें आ रही हैं क्योंकि आपकी फ्रेंड आपको हेल्प भी कर रही है ना। इट्स ओके आपको समझ आई है ये जो आपको बता रही थी ना आपकी फ्रेंड, उसकी भी आवाज आ रही थी मेरे को साथ साथ में। इट्स ओके बट आपको समझ आई है ये। बी देयर ओनली, उधर ही रहो अभी, वहीं रहो। बी देयर पल्लवी, उधर ही रहो अभी। हैव यू कम टू नो, समझ आई है ये कैसे आए हैं? यस। गेस पी हमने दो बार क्यों लिखा है यहाँ पे? स्क्वायर पी का स्क्वायर है, दैट्स ग्रेट। आपको समझ आ गई है। ओके नाउ यू कैन कम बैक। अब ये जो आपने फैक्टर्स लिखे हैं, क्या इनको आगे भी ब्रेक कर सकते हो? 7 को ब्रेक कर सकते हो आगे? नो, नो इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, नो पी इज ऑल्सो सिंगल हेयर, ऑल्सो क्यू इज ऑल्सो सिंगल। वी कांट डू फर्दर, दिस इज इरिड्यूसिबल, दीज आर इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 7p² क्यू। हमने इनको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं नाम दिया क्योंकि ये वेरिएबल आ गए बीच में, पी एंड क्यू आ गए, इंग्लिश अल्फाबेट्स बीच में आ गए, तो हम उसको प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते। हमें क्या पता वो क्या है, इज इट? तो दीज आर इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस। ओके यू कैन राइट डाउन नाउ इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। ठीक है, कई बच्चे इसको कॉमा फॉर्म में, कई बार इसको कॉमा फॉर्म में भी लिख सकते हो, कई बार इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो बोथ आर करेक्ट। अगर आप इसको 7p p q ऐसे लिखोगे कई बुक्स में आप देखोगे तो भी ठीक है, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख रहे हो तो भी ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके यस आपको समझ आ गया कि उसको हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में मैक्सिमम जितना हो सकता है, नंबर को हम मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हैं, जो पावर्स है उनको तो बस खोलना ही है और कुछ भी नहीं करना। एक्स रेज टू पावर 2 है तो उसको 2 बार लिख दो, 3 है तो 3 बार लिख दो, राइट? चलो बी पार्ट 3p q, बी पार्ट 3p q, इसके इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। आई विल कॉल द नेम एफ सेक्शन, सानिया, Not again. यस बच्चे जल्दी से बता दो इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस। Three multiply by P multiply by Q. एक्सेलेंट, किस किस को आता है, रेज योर हैंड, किस किस को पता था ये? ग्रेट, सबको समझ आ गई है, प्लीज राइट डाउन। वेरी गुड। सी पार्ट 10x² y² z² ठीक है, सी पार्ट 10x² y² z² इरिड्यूसिबल फैक्टर्स आपको लिखनी है। जी सेक्शन, अनीश भाटिया एब्सेंट, वंश कुमार, वंश यस 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 ओके, इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। ये स्टार्ट करो। हाँ बोलो बोलो, यू आर टेलिंग मी। ओके आपके आगे जो गर्ल बैठी है उसको माइक दे दो। यस ओके एवरीबडी हैज रिटन इन दिस वे। मैम यस मैम नो नो ओके सेवन जी, सेवन जी फर्स्ट बॉय, यस
आप हाथ खड़ा कर रहे थे। यस जल्दी से बता दो आप भी, व्हाट इज अ मिस्टेक इन दिस। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव कैसे करना है, मिस्टेक नहीं है। यस बताओ, बताओ। यू आर रेजिंग योर हैंड। हाँ हम कहना है, हम ओके ओके। कहना है सेवेंथ सेवन्थ है, फर्स्ट है, फर्स्ट टू मंथ टू मंथ गए, फाइव गए, मंथ फाइव मंथ गए, गए, सिक्स मंथ एफ गए, मंथ गए, फाइव मंथ फाइव मंथ गए, गए, टेंथ मंथ गए। सिक्स मंथ। ओनली 10 को हमने ब्रेक करना है फर्दर, 2 × 5 दैट्स इट। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी तो सिर्फ पावर्स हमने खोली हैं। एक्स की पावर 2 थी हमने 2 बार लिख दिया, वाई की पावर 2 थी 2 बार लिखा, जेड की पावर 2 थी हमने 2 बार लिखा। 10 को हमने फर्दर ब्रेक करना है। आप जब भी आपको 10 की फैक्टराइजेशन पूछेंगे तो ऑफकोर्स उसको 2 × 5 में करोगे ना, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करोगे। तो ये भी प्राइम फैक्टर्स ही हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि आपने 6 में क्या किया था। बाकी अल्फाबेट्स को तो हमने जस्ट पावर्स खोलनी है। इज इट क्लियर? दीज आर इरिड्यूसिबल, आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ऑलराइट चलो, डी पार्ट, डी पार्ट का आंसर आई एम राइटिंग हियर एंड यू ऑल्सो राइट एंड प्लीज मैच विद मी। ठीक है, अब सबको समझ आ चुकी है? यस, विल यू राइट इट एज -1 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड? सिंस इट वॉज नेगेटिव तो हमने उसको -1 × 5 लिख दिया। एनी डाउट इन दिस? नो नो गुड, चल नोट इट डाउन। नेक्स्ट है हमारा एसर्शन रीजन। एसर्शन फर्स्ट वन इज 3x + 5x² - 6 इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। I'm true, मैम true, ट्रू? यस, एवरीबॉडी नोज रीजन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। व्हाट डू यू मीन true, डिफरेंट ऑपरेशंस? मल्टीप्लाई डिवाइड साइंस प्लस एंड या ये जो डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं उनको हम डिफरेंट ऑपरेशंस बोलते हैं मैथ्स में। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज विच ऑप्शन ए। ओके, असर्शन में भी हमारी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने पहचाना और रीजन में भी दे आर आस्किंग कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो दिस इज ऑप्शन इज ए। सेकेंड क्वेश्चन, असर्शन एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म्स। ट्रू, ट्रू, वेरी गुड। डिफरेंट टर्म्स को हम प्लस और माइनस करते हैं, लिखते हैं और फिर वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है। ट्रू रीजन, एन एक्सप्रेशन विद टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ट्रू, वेरी गुड, कल हमने डिस्कस किया था बी अनलाइक ओनली ऑप्शन, बी ऑप्शन। यस, थर्ड क्वेश्चन, असर्शन फैक्टर्स ऑफ द टर्म 4xy आर 4x एंड y। फैक्टर्स ऑफ द टर्म 4x एंड y, हु आर सेइंग ट्रू? रेज योर हैंड, हु आर सेइंग ट्रू? देयर, रेज योर हैंड। ओके, सभी सब फॉल्स बता रहे हैं। हु आर सेइंग फॉल्स? रेज योर हैंड। ओके, 7D, दिस सेकंड बेंच पे जो बॉय बैठा, प्लीज आगे आ जाओ। व्हाई इट इज फॉल्स? फॉल्स ट्रू, क्यों है ये? ट्रू ट्रू, है, यस, आपने तो ट्रू बोला, उसने हाथ खड़ा किया था आपके साइड पे जो बॉय बैठा है। यस, यू आर टेलिंग मी फॉल्स, बट व्हाई फॉल्स बेटा? गलती क्या? ट्रू ट्रू है, यस। है मैम, इट इज फॉल्स ओके, प्लीज मैम, टेल इट फैक्टर्स ऑफ फोर व्हाई। आर टू फैक्टर्स एक्स ऑफ फोर आर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू। मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई। वेट, दे आर नॉट आस्किंग यू इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। एम इट इज 2 × 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई।
दे आर नॉट आस्किंग यू इरिड्यूसिबल, सिंपल फैक्टर्स पूछ रहे हैं आपसे ना, तो वो प्राइम फैक्टर्स पूछ रहे हैं ना वो आपसे इरिड्यूसिबल फैक्टर्स पूछ रहे हैं। अगर सिंपल फैक्टर्स आपसे पूछे हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो आप उसके फैक्टर्स, आप उसको नंबर ही बताओगे। अगर मैं इसको इसके फैक्टर्स पूछूं कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे 10 × x × x × y × y एंड सो ऑन। सिंपल फैक्टर्स अगर मैं कि इसके पूछोगे तो आप 10 ही बताओगे। नहीं बताओगे ओके, ओके इरिड्यूसिबल इरिड्यूस पूछिए, देन यू टॉक अबाउट 2 × 5। इज इट क्लियर? आपने बुक में जो फैक्टर्स किए होंगे आपने किया होगा कि एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, फिर उसके फैक्टर्स लिखे हमने, ठीक है, पहले टर्म्स लिखी फिर फैक्टर्स लिखे, ऐसे करते हो ना, टर्म्स लिखते हो फिर उसके फैक्टर्स लिखते हो, तो फैक्टर्स में वो टर्म्स आती हैं, वो चीजें आती हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सिंपल, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सारे उसके फैक्टर्स हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो मैम यस इट विल बी 4 ओनली। चलो अच्छा है, आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि फैक्टर्स और इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। दिस इज ट्रू। ओके, एक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होंगे, टर्म्स के अंदर फैक्टर्स, रीजन, फैक्टर्स मे बी न्यूमेरिकल एज वेल एज अलजेब्रिक। ट्रू, यस, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर भी हो सकता है और वो अल्जेब्रिक भी हो सकता है। अल्जेब्रिक का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। दैट्स, दिस इज ट्रू। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? बी ऑप्शन बेटा, बी। बिकॉज सेशन में आपके पास फैक्टर्स बताए थे और इसमें बताया है कि इट कैन बी न्यूमेरिकल एज वेल एज अल्जेब्रिक। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन, अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। वेरी गुड, दिस इज ट्रू। रीजन, द कोफिशियंट ऑफ वाई इन द टर्म 3y इज 3। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड। आई होप दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऑल राइट, कम टू एमसीक्यू। इजी क्वेश्चन है ये भी, ओरल करने वाला क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू फर्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। रेज योर हैंड हु आर सेइंग बी। क्लियरली दिख रहा है, क्यों है? क्योंकि उनके साथ सेम वेरिएबल है, वेरिएबल्स की पावर्स भी मैच कर रही हैं। ओके, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। एवरीबडी नोज लाइक टर्म का मतलब जिनके वेरिएबल्स आपस में मिलते हो, उनके पावर्स भी मिलती हो, ठीक है, उनको हम नंबर चाहे ना मिले, चाहे उनके वो कॉफिशियंट जो है लिखे हुए साथ में न्यूमेरिकल कॉफिशियंट वो चाहे सेम ना हो, लेकिन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। एल्जेब्रिक टर्म जो है एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर, एल्जेब्रिक फैक्टर्स इसके जो दिखे हुए हैं वो सेम है दोनों में, इसलिए वो लाइक है। सेकेंड क्वेश्चन, अर्जुन बॉट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद लेंथ एक्स एंड ब्रेथ वाई एंड देन सोल्ड अ ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ इट एट हूज बेस इज वाई एंड हाइट इज जेड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट। रीड इट योर सेल्फ, ऑप्शन अपने आप रीड करो एक बार, सबको पढ़ने दो। अर्जुन बॉट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद लेंथ एक्स एंड ब्रेथ वाई, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ उसकी दी हुई है, तो एल इज इक्वल टू एक्स है और बी ब्रेथ इज इक्वल टू वाई है, तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट का? फॉर्मूला पता है आपको? विच इज एक्स वाई। फिर उसमें से उसने ट्राइंगुलर प्लॉट सोल्ड जो किया उसकी आपको बेस दिया हुआ है वाई, बेस इज इक्वल टू वाई एंड हाइट इज गिवन जेड, हाइट इज गिवन जेड, तो इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगुलर प्लॉट का? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हैव यू रेड दिस फॉर्मूला? यस, बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन, हाफ ऑफ एक्स वाई माइनस, सॉरी, एक्स वाई माइनस हाफ ऑफ जेड, इज इट
इट विल बी एक्स वाई, ट्राइंगल में से हमने रेक्टेंगल में से उसको माइनस किया है, इट विल बी एक्स वाई माइनस हाफ ऑफ वाई जेड. ठीक है, यू शुड नो कैसे आया ये फॉर्मूला. एक दो बच्चों को तो क्लियरली सामने ही दिख जाता है ना, एकदम से जब माइंड में आता है कि हाँ फॉर्मूला है, जिनको याद होता है वो तो जल्दी से आंसर बता देते हैं. एंड फॉर अदर चिल्ड्रन जस्ट राइट एक दो स्टेप्स लिख के फिर उसको कंफर्म करो कि यस यू आर राइट, क्योंकि जब बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं ना थोड़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है सबको देख के कि शायद ये हो शायद वो हो. तो वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट, एक दो स्टेप में उसको करके देख लो और कंफर्म होना चाहिए कि यस बी इज द राइट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू. कितनी टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स हैं. व्हेन इट्स टर्म्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स. डी ऑप्शन मैम, डी ऑप्शन किस किस को पता है डी ऑप्शन, रेज योर हैंड. ओके आई मस्ट एक्सप्लेन इट. सी अगर आपके पास कोई टर्म है 3x² y² प्लस 7x^5, अगर ये एक्सप्रेशन है, अब आपको देखनी है कि इनकी मैक्सिमम पावर क्या है. अब जब हम पावर की बात करते हैं, अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स होते हैं तो इनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं. इसकी पावर क्या होगी, पावर विल बी इक्वल टू 4 बाय 2 + 2. वी हैव एडेड एक्स की पावर और वाई की पावर. ठीक है, दोनों को ऐड करके हमने बताया इसकी पावर 4 है और इसकी पावर क्या है 5. डू यू नो इट, पढ़ा हुआ है आपने पावर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल. ओके तो बेटा ये सिंगल उसमें है, अगर सपोज x^3 x² + 7x^5 हो गया, सिंगल वेरिएबल है, फिर तो आपको देखना आता है कि मैक्सिमम 5 है तो इसलिए वो उसकी पावर 5 है. लेकिन अगर आपके पास मिक्स वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स दी हुई है, व्हाट वुड यू डू, यू विल ऐड देम. ओके, यहाँ पे अगर एक्स के साथ वाई वाई भी होता फिर मैं इसकी पावर क्या होती, 5 + 1 = 6. अगर दो वेरिएबल दिए हुए हैं तो उनकी दोनों की पावर्स को हमें प्लस करना है और फिर उसकी पावर को काउंट करना है आपने. ओके, यू कैन राइट द एग्जाम्पल, फ्यू चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑल्सो. क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, जस्ट राइट डाउन कि उसकी पावर कैसे बनेगी. इसकी पावर आपको 5 + 6 बनेगी. ठीक है, और इसकी जो पावर है वो 4 आएगी. आपको पता होना चाहिए ये, प्लीज नोट इट डाउन जिसको नहीं पता कि पावर्स को हम ऐड करते हैं. ठीक है, तो इसमें फिर मैक्सिमम पावर क्या होगी इस एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन की जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, सिक्स सिक्स. यस, मैक्सिमम पावर इज 6, इसका आंसर आएगा 6. ये अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, दो अलग अलग वेरिएबल है तो भी हम उनकी पावर्स को ऐड करते हैं. ओके ओके, प्लीज डू दिस क्वेश्चन. ये जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन आपको दी हुई है नोटबुक में, इसको करो जरा. आपको दिख रहा होगा कि 3/8 AB फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर क्या है, 2. यू नो उसकी पावर है 2. ओके, एंड 2/7 A4, B4 की पावर क्या है, 8. -3/7 A² B² की पावर क्या है, मैक्स 4. यस, यू हैव एडेड इट. 4/9 ABC की पावर क्या है, 3. बिकॉज ABC मीन सबकी पावर 1 1 1 है, 1 + 1 + 1 = 3. अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स की फॉर्म में लिखना है, पावर के हिसाब से आपको डिसेंडिंग में लिखना है. तो सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है, A4 B4. A4 B4, नॉट स्क्वायर. ठीक है, तो मेरे को सोच के बताओ ऑप्शन कौन सी होगी तीनों में से. डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है.
सारे की सारी हमारी पावर्स डाउनवर्ड जा रही हैं, बड़े से छोटे की तरफ जा रही हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी डाउट किसी को कि हाँ ये पावर कैसे देखते हैं? काफी बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं जब टू वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाते हैं, उनकी पावर काउंट करनी नहीं आती उनको। यू मस्ट ऐड देम, ओके? चाहे वो डिफरेंट है वेरिएबल्स, तो भी उनकी पावर्स को हमने ऐड करके उसकी पावर निकालनी है कि उसके उस टर्म के अंदर कितनी पावर है। इज इट क्लियर? यस टुडे यू हैव डन ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके ओके, प्लीज ट्राई एट होम। असर्शन रीजन का सेकेंड मॉड्यूल भी आपके पास है बेटा, इसका असर्शन रीजन इसके ट्राई करना घर पे, देन विल डिस्कस टुमारो। ओके, अभी आपका टाइम है, वी कैन स्टार्ट नाउ, Time is over. टाइम इज ओवर। No. Yes. Yes. Then we'll do tomorrow, okay? थोड़ा सा रिवाइज करके आना बेटा। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट।